के सभी बहुत ही मेरे पूजने बुजुर्गों को, प्यारी प्यारी माताओं बहनों को, भाइयों को और बच्चों को बहुत मेरा प्रणाम। और मान सम्मान के लिए मैं आपका एक एक का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़े बुजुर्गों का विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जिन्होंने मेरे पिता और दादा के साथ रहकर, साथ देकर चौधरी बंसीलाल जी का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया। आप वो लोग हो जिनमें मैं हमेशा अपने पिता की झलक देखती और बहुत सारी बातें मेरे जहन में चलती रहती हैं सफर के दौरान, क्योंकि मेरा भी जीवन अब वो ही जीवन है जो कभी मेरे पिता का हुआ करता था। मुझे याद है एक ऐसा वाक्य, कभी कुछ याद आ जाता है कभी कुछ, तो टाइम मिलता था तो मुझे बताते थे कि क्या क्या गांव में हुआ, जो कोई ऐसे वाक्य जो बताने वाले होते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि आज छुट्टी मैंने गांव में मैं गया था और बड़े बुजुर्ग हाथ से लेने हुए थे। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो बैठ उठे और अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा कि सुरेंद्र, ये मेरा आखिरी वोट है और ये मैं तुझे डाल के जाऊंगा। और जब उन्होंने ये बात कही तो उनके आंख बिल्कुल नम थी और वो नजारा मैं भूल भी नहीं, क्योंकि क्योंकि वो आत्मा से जुड़े हुए, ये केवल एक वोट की बात नहीं। आप उनकी आत्मा में थे और वो दोनों तरफ वही बात की, वही लगा। और आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, इसलिए मैं भी आज बेशक वो नहीं है मगर हमें भी हिम्मत मिली कि वो ही उस मार्ग पे चले, वो ही काम करे। जब मैं रुकी थी मुझे याद है मेरे दिल में हमेशा एक लगन रही, मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं कि अपने दादा की तरह कि हर काम को मैं करा सकूं, ऑर्डर दूं और काम हो जाए। बहुत फाइलों के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, चाहे वो NCR में शामिल करवाने वाली बात हो। मुझे याद है बाड़ा के अंदर जो महिला कॉलेज अभी सज्जन बता रहे थे, कितनी मेहनत के साथ ये काम करवाया। मुझे याद है सरपंच साहब और मेरी बात हुई थी, शुरू में इनकी और मेरी बात हुई थी, ये महिला कॉलेज हम बनाना चाहते हैं किस प्रकार से शुरुआत करें। तो बड़े पंचायत बड़े बुजुर्ग मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि छुट्टी अब हम काम शुरू कर रहे और एमपी लाइफ से हमको थोड़ा पैसा देंगे। मैंने उनको ये कहा कि एमपी लाइफ से मैं 1 करोड़ रुपए आपको दूंगी, आप काम शुरू करो। क्योंकि क्या हुआ था, उसके पहले काम मुझे लगा कि मेरे नहीं चलने वाला और ये मेरी कॉलेज रह ना जाए, तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं आप शुरू करिए। और एमपी लाइफ से मैं कहा काम शुरू किया, पैसा लोगों ने इकट्ठा किया, काम शुरू करने लगे महिला कॉलेज के लिए। और अंत में जाकर
कॉलेज चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना ही कोई अपना ही जिसको कहते हैं ना दर्द जिसके दिल में है वो ही काम करता है। और जो सांसद है बीजेपी का उसने क्या किया? वो वोट लेके गए मोदी के नाम पे धड़ाधड़ वोट पड़ी। 2.5 साल के अंदर अंदर कह डाला कि वो काबिल नहीं है चुनाव और एमपी के काबिल नहीं है और वापस तैयार हो गए चुनाव लड़ने के लिए। तो इस प्रकार की गैर जिम्मेवारी और इस प्रकार भैया बच्चों आप लोग इस प्रकार का गैर जिम्मेवार जो बयान दिया कि वो काबिल नहीं तो एक हल्के की तो आपने आवाज ही बीजेपी ने तो समाप्त कर दी। बच्चों आप इधर आ उस हल्के में क्या प्रगति और विकास हुआ? क्या मिला बीजेपी से इस हल्के को? क्या हमारी सड़क आए? क्या हमारी नहर आए? और हमारे जो पानी का काम करके गए उसके बाद कोई काम हुआ? मेडिकल कॉलेज मैंने अपने टाइम पे 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूर करवाया दुरानी ने वो आज भी पैसा इनका क्यों पड़ा? तो इस सरकार ने चाहे किसान हो व्यापारी हो गरीब हो कर्मचारी हो सब परेशान। आने वाले समय में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ है राजस्थान है मध्य प्रदेश है किसानों के कर्जे माफ करे उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में भी किसानों के कर्जे माफ हो गए और 72,000 रुपया 72,000 रुपया साल में एक बारी मतलब 6,000 हर महीने गरीब के खाते में जाएगा। और गरीब का मतलब हर वर्ग का गरीब हर जाति का गरीब किसी एक या दो जाति के ये नहीं सब गरीबों के लिए जहां जहां जरूरतमंद है ये 72,000 रुपया जाएगा और ये महिलाओं के खातों में जाएगा महिलाओं के गरीब महिलाओं के। आप बेचारी जब हम बोलते हैं ये बात तो 2 मिनट तो सबको लगता है सोचने में कि ये क्या बोल रहे। फिर मैं जब देखती हूँ सबके चेहरे से मुझे याद आता है कि क्यों नहीं इनको विश्वास हो रहा। इसलिए विश्वास नहीं हो रहा ये 15 लाख के आने थे ना वाय वो
ताकत मिलेगी तो हमारे हर काम होंगे और प्रगति और विकास के तरफ हमारा यह हक बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगे तटी और अगे तटो थोड़ा पीछे ही आती है सेल्फी जी थोड़ा हर रहे पिछले आपकी भी कुनिया हो रहे क्यों कुनिया